आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं वो पांच मिस्टेक्स जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स करते हैं ऑस्ट्रेलिया में आने के बाद वेलकम गाइस, दिस इज क्वाजा औरंगजेब एंड आप देख रहे हैं औरंग के ब्लॉग्स जहां पे मैं ट्रेवल वीडियोस और डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग्स बनाता हूँ लेकिन uh, साथ ही साथ मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी बनाता रहता हूँ सो आई कैन डू माय पार्ट टू हेल्प द कम्युनिटी एंड गिव बैक टू पीपल गाइस आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और द मेन फोकस पॉइंट इस वीडियो में रहेंगे वो लोग जो कि अभी अभी ऑस्ट्रेलिया आए हैं या ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं मोस्टली पाकिस्तान से दीज आर द फाइव मिस्टेक्स विच यू रियली नीड टू अवॉइड टू बी सक्सेसफुल वाइल आर स्टाडिंग ओवरसीज नंबर वन थिंग जिसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पाकिस्तानी कम्युनिटी को ऑस्ट्रेलिया में रहती है वो ये है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया में एक यंग कम्युनिटी है एक नई कम्युनिटी है जिसकी वजह से जो नए आने वाले यंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस होती है कि जब उनको जो भी एयरपोर्ट से लेने आता है वो उन्हीं की तरह का एक आ, एक यंग स्टूडेंट ही होता है जो उनसे शायद एक साल पहले दो साल पहले आया होता है सो so, बेसिकली uh, वो बंदा भी उसी कश्ती का मुसाफिर होता है जिसमें एक नया बंदा आने वाला जिस कश्ती में सवार हो रहा होता है तो कहने का मकसद ये है कि यूजुअली दूसरी कम्युनिटीज़ में अगर देखा जाए तो पुराने लोग पहले से रह रहे होते हैं जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन होते हैं वो वेल well सेटल होते हैं दे गिव अ लिटिल बिट क्वेश्चन टू अ यंग ब्लोक जो कि आ रहा होता है उसको थोड़ा सा रेंट में आ, टाइम मिल जाता है पे करने में बट मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो आते हैं वो ऑन द गो होते हैं उनको पहले वीक से ही रेंट पे करना पड़ता है बॉन्ड पे करना पड़ता है अपनी डिटेल्स शेयर करनी पड़ती है और रिलाई करना पड़ता है उनसे पहले आए हुए स्टूडेंट्स के ऊपर फॉर जनरल इंफॉर्मेशन सो मोस्टली जो मिस्टेक की मैं बात करने वाला हूँ वो होती है यहाँ पे मिस्टेक ये होती है कि दे फॉल इन टू स्कैम्स और फ्रॉड्स क्योंकि पहले से जो थोड़े टाइम से रह रहे होते हैं दे नो द थिंग्स कि कैसे ऑस्ट्रेलिया में चीज़ें काम कर रही होती हैं हाउ थिंग्स वर्क तो गाइज द मिस्टेक आई डो नॉट वॉन्ट यू टू मेक इज डो नॉट शेयर योर ड्राइवर्स लाइसेंस डिटेल्स अनटिल और अनलेस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और आपको पता है कि मुझे इस घर में मूव होना है यू नो एंड द पर्सन यू नो आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं अदरवाइज डो नॉट शेयर योर पासपोर्ट और लाइसेंस डिटेल्स द रीज़न आई एम that दैट इज के आपका जो ऑस्ट्रेलियंस ड्राइवर्स लाइसेंस या पाकिस्तानी ड्राइवर्स लाइसेंस जो आप अपने साथ लेके आते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू लाइसेंस के ऊपर आपके पास कुछ लिमिटेड पॉइंट्स होते हैं और जैसे जैसे आपको ड्राइविंग uh, ऑफेंसेस होते रहते हैं कोई आपने सिग्नल तोड़ दिया कोई गलत टर्न ले लिया तो उस पर लाइसेंस के आपके साथ साथ पॉइंट्स भी कट रहे होते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है कि वेन यू एक्सीड टू द सर्टन अमाउंट ऑफ पॉइंट्स यूजली थर्टीन जब आपको तेरह पॉइंट्स से ऊपर आपके चले जाते हैं देन यू लूज योर लाइसेंस एंड इट डिपेंड्स ऑन द कोर्ट के आपको कितने टाइम तक लाइसेंस की सस्पेंशन रहेगी एंड इन ऑस्ट्रेलिया योर लाइसेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंगडी सेडेड तो डू नॉट डू नॉट गेट इन टू दिस ट्रैप और आपको अपना लाइसेंस बिल्कुल लूज नहीं करना सो दिस इज़ द मिस्टेक नंबर वन इसी से रिलेटेड एक मिस्टेक नंबर टू है मिस्टेक नंबर टू में क्या होता है कि जो पहले से लड़के रह रहे होते हैं वो ये बात समझते हैं कि हाउ इजी इट इज़ फॉर अ यंग गाय वो किसी भी टेली कम्युनिकेशन शॉप यानी टेलस्ट्रा या ऑप्टस पे जाके आपकी आपकी आईडी डी दिखा के दे कैन गेट अ ब्रांड न्यू आईफोन दे कैन गेट अ ब्रांड न्यू एंड्रॉयड बिल्कुल नया फ़ोन मिल जाता है जिसपे आपको मंथली पेमेंट्स करनी पड़ती है कोई आपको कहता है कि यार चलो चल के प्लान पे फोन ले लो या चलो दो फ़ोन ले लेते हैं और यू नो आई पे फॉर इट बट तुम्हारे नाम पे होगा नेवर एवर गेट इन टू दिस ट्रैप बिकॉज आपको जब आप नए नए आए हैं आपके ऊपर सबसे बड़ी लाइबिलिटी आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस है जो आपको वक्ता फवक्ता पे करते रहनी है सो so यू cannot नॉट अफोर्ड टू हैव एनी अदर लाइबिलिटी गाइज मुझे ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है एंड आई स्टिल डू नॉट ओन एनी थिंग ऑन प्लान और एनी थिंग लाइक दैट बिकॉज़ फ़ोन मोस्टली हम नए नए आते हैं हमें लग्जरी नज़र आती है हमारे लिए बहुत ईजीली एक्सेसिबल होता है बड़ा अटैम्प्टिंग होता है और बंदा पहला काम ही ये करता है कि यार चलो आईफोन नया आया है चल के नया आईफोन ले लें ले, पाकिस्तान में भरम मारेंगे भाई ऐसा नहीं होता क्योंकि लाइबिलिटीज़ विल मेक इट वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू पे योर फीसेस सो डो नॉट गो फॉर एनी काइंड ऑफ प्लान किसी भी चीज़ को परचेस करते हुए आपको साइन करना पड़ रहा है किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाना पड़ रहा है चाहे वो जिम इन जिम की मेंबरशिप है या वो कोई को गाड़ी आपको यू नो रेंट टू ओन का कोई ऑप्शन देता है या आपको मोबाइल फ़ोन देता है गाइज नेवर एवर गेट इन टू इट ये आपकी क्रेडिट हिस्ट्री तो खराब करेगा ही करेगा और अगर क्रेडिट हिस्ट्री खराब नहीं करता देन यू विल स्टिल बी स्ट्रगलिंग टू पे दिस ऑफ क्योंकि जब आपके ऊपर यूनिवर्सिटी का बर्डन होता है यू नो यू डू नॉट वॉन्ट एनी अदर लाइबिलिटी आर अ स्टूडेंट मिस्टेक नंबर थ्री है कि नॉट हैविंग अ प्रॉपर इंश्योरेंस वेन यू स्टार्ट ड्राइविंग योर ओन कार गाइज़ आई विल रिकमेंड यू कि आपको जैसे ही मौका मिले जैसे ही दाऊ लगे और आपके पास इतने पैसे सेव हो चुके हों और आप गाड़ी अफोर्ड करने की कैपेबिलिटी में आ चुके हों गो फॉर इट बाई योर सेल्फ अ कार इट्स गोन अ पे इट्स सेल्फ ऑफ वेरी क्विकली गाड़ी आपके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है आपको बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी आप आपके लिए जॉब पे कम्यूट करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा और आपको ट्रेन स्टेशन वाली लोकेशन पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा लेकिन मिस्टेक जो हमारे स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि दे बाय अ कार बट दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर इंश्योरेंस जब आप गाड़ी आके परचेस कर लेते हैं तो आपको पहले कंपलसरी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करानी पड़ती है गाड़ी को रजिस्टर कराने से पहले बट जब भी आप सेकेंड हैंड गाड़ी लेंगे इट्स ऑलरेडी ऑलरेडी रजिस्टर्ड आपको दो तीन महीने की रजिस्ट्रेशन के साथ ही गाड़ी लेनी चाहिए लेकिन उसके अलावा एक और इंश्योरेंस होती है गाइस जिसको कहते हैं थर्ड पार्टी प्रॉपर्टी डैमेज इंश्योरेंस ये इंश्योरेंस आपको कवर करती है कि अगर आप किसी की महंगी तरीन दो तीन लाख डॉलर की गाड़ी यू नो जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल आप किसी की महंगी तरीन गाड़ी को हिट कर देते हो देन दिस इंश्योरेंस कम इन टू इफेक्ट एंड उस गाड़ी की जो भी रिपेयर कॉस्ट होती है वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको उससे प्रोटेक्ट करती है और आपको एक प्रीमियम अमाउंट भरने के बाद उससे ज़्यादा नहीं पे करना पड़ता लेट सपोज कि अगर आपने किसी तीन दो तीन लाख डॉलर की गाड़ी को हिट कर दिया और उसका डैमेज ही पचास हज़ार डॉलर है तो आपकी तो यूनिवर्सिटी की दो ढाई साल की फीस इतनी होगी जितने का आपने गाड़ी डैमेज कर दिया है यू डू नॉट वॉन्ट टू गेट इन टू दिस सॉर्ट ऑफ सिचुएशन और आज से आठ नौ साल पहले आई हैव सीन समबड़ी गेटिंग इन टू दिस पोजिशन एंड गाइज यू कैन नॉट इवन इमेजिन द ओनली वे यू हैव लेफ्ट देन इज टू रन आप वापस पाकिस्तान भागोगे सो so, इट्स बेटर कि अगर आप 1500 2000 डॉलर की गाड़ी ले रहे हो उसके ऊपर मंथली 40 50 60 डॉलर की एक इंश्योरेंस ले रहे हो जो आपको मंथली 40 50 60 डॉलर पे करना पड़ेगा अकॉर्डिंग आप कौन सी किस टाइप की गाड़ी ले रहे हो बट इट विल कवर यू इन सिनेरियो ऑफ अ एक्सीडेंट जहाँ पर आपकी अपनी गलती होगी यू नो सो यू ऑलवेज नीड दैट इंश्योरेंस नैवर एवर ड्राइव अ कार विदाउट अ प्रॉपर्टी डैमेज इंश्योरेंस मिस्टेक नंबर फोर गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और ये वो क्वेश्चन है जो uh, मैं पहले दिन जिस दिन आया था मैंने खुद भी अपने सराउंडिंग में लोगों से पूछा था और आज भी मैं लोगों से सुन रहा होता हूँ कि यार मेरी फीस इतनी है वुड आई बी एबल टू अफोर्ड दिस फीस गाइज इसका आंसर जो है ना वो सिर्फ एक मिस्टेक के ऊपर रिलाई करता है डू यू हैव अ टारगेटेड सेविंग्स आप कोई सेविंग करने के लिए आपके पास टारगेट सेट है डू यू नो हाउ मच मनी डू यू नीड टू सेव पर वीक इन ऑर्डर टू पे योर फीस इफ़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो देन द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन कि क्या मैं अपनी फीस अफोर्ड कर सकता हूँ कि नहीं देन द आंसर इज नो आप अपनी फीस कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकते लुक ऑस्ट्रेलिया इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑस्ट्रेलिया में इट्स लाइक अ ओशन ऑफ मनी यू नीड टू डाइव इन एंड अर्न एज मच एज यू नीड एंड कम आउट ऑफ दोशन तो कहानी इस तरीके से है कि एज लॉन्ग एज यू हैव टारगेट्स कि यार मुझे आई सो पोस्ट ऑन पाकिस्तानी कम्युनिटी इन ऑस्ट्रेलिया फेसबुक ग्रुप फ्यू डेज अगो एंड समी वो सही क्योंकि उसकी चौदह हज़ार डॉलर फीस है सो आई डिड अ बेटर मैथ फॉर हिम कि अगर आपकी चौदह हजार डॉलर सिक्स मंथ में आपको पे करना है तो इट्स रफली अराउंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्सटी डॉलर दैट यू हैव टू सेव ईच वीक फॉर योर फीस ओनली विच मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि अगर मिनिमम वेज इज अराउंड ट्वेंटी डॉलर एन आवर अगर आप कैश पर भी काम कर रहे हो सो यू डू द मैथ कि आपको कितने घंटे सिर्फ और सिर्फ अपनी फीस के लिए काम करना है एंड देन अराउंड टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड डॉलर डिपेंडिंग ऑन योर लाइफ स्टाइल तीन चार सौ डॉलर आपको चाहिए होगा आपके अपने पर्सनल एक्सपेंसिस के लिए सो गाइज so

जब आपकी यूनिवर्सिटी की क्लास का डे होता है एंड यू थिंक दैट ओ अफगोट माई गॉट माई यूनिवर्सिटी टूडे या तो मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ या मैं दो ढाई सौ डॉलर की जो मैं जॉब कर सकता हूँ जाके यू नो ऊबर चला सकता हूँ उबर रीड्स कर सकता हूँ मैं वो मिस करूँ और यूनिवर्सिटी चला जाऊँ तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी को आज मिस करता हूँ और काम कर लेता हूँ बिकॉज मनी इज गन हेल्प मी टू पे माई फीस दिस इज़ एप्सलूटली रॉन्ग दिस इज़ द रोंग प्रायोरिटी आप योर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी योर यूनिवर्सिटी क्लासेस बिकॉज आप अगर इसको इस तरीके से देखें कि अगर आपकी चौदह हजार डॉलर फीस है देन अप्रोक्सीमेटली अगर हफ्ते में तीन दिन आपकी क्लास है तो टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी डॉलर की आपको एक क्लास कॉस्ट कर रही है तो एक क्लास मिस करने का मतलब है वी आर लूजिंग टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी डॉलर इज इट वर्थ इट के आप दो सौ बीस डॉलर का नुकसान करके जॉब पे चले जाओ और जॉब पे जाके 220 डॉलर कमा लो दैन यू आर इन अ सेम पोजीशन एनीवे बट इट वुड बी वाइज कि अगर आप यूनिवर्सिटी को अटेंड करें जाके और क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो क्वेश्चन पेपर्स को जिस तरीके से बनाते हैं कि ऑल योर क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द लेक्चर्स नॉट फ्रॉम एनी बुक नॉट फ्राम एनी लेक्चर स्लाइड ऐसा नहीं है कि आप घर पर बैठ के कुछ तैयारी कर लोगे और आपको जो है वो आप अपने एग्जाम्स क्लियर कर लोगे गाइज़ आई फेल्ड वन माई फुल सेमिस्टर जहाँ पे मेरी गलत प्रायोरिटी सेट हो चुकी थी और मैं अपनी जॉब को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा था यूनिवर्सिटी के ऊपर मैं अपनी फीस को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा था अपनी क्लासेस के ऊपर आई फेल्ड मिजरेबली दैट डे आई डिसाइडेड आई चेंज माय प्रायोरिटी सो आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस टेक इट और लीव इट बट इफ़ यू आर गोइंग टू टेक इट इट इज गोइंग टू हेल्प यू ऑन लॉन्ग टर्म बिकॉज Uh, as long as your studies finishes on time before your visa, there is a higher chance for you to have your permanent residency. And even agar a permanent residency, nahi you know, or ya ya aapka goal hi hai, when you go back to Pakistan, you at least have your degree with you. You didn't even waste your time. I know so many people, Joe Australia, I पाँच छः साल गुजारा ना पढ़ाई ख़त्म की ना पी आर ली दे वेंट बैक दे जस्ट वेस्टेड ह्यूज अमाउंट ऑफ देयर टाइम अपनी जवानी का टाइम जिसके अंदर वो ये एजुकेशन अचीव कर सकते थे सो डू नाट डू दैट मिस्टेक एंड फिनिश योर स्टडीज ऑन टाइम एंड हैव राइट प्रायोरिटीज ये वो पांच मिस्टेक्स थी जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी uh, कुछ और अगर वैल्यू uh, एडिशन आप इसमें करना चाहते हैं डू इट Uh, अगर कोई क्वेश्चन है रीच आउट टू मी ऑन फेसबुक रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम और नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स के अंदर भी आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं आई रीड देम थॉरली एंड आई वुल ट्राई टू गेट बैक टू यू आई होप मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी इफ़ यू गाइज नीड सम मोर हेल्प रीच आउट टू मी एंड आई वुल बी हैप्पी टू हेल्प